लोकसभा चुनाव 2019 के नतीजे आने में अब बस 2 दिन का समय शेष बच गया है, लेकिन नतीजों से पहले ही सत्ता पक्ष और विपक्ष में बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। आज विपक्ष के कई बड़े नेता आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की अगुवाई में चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। सभी नेताओं की मांग वीवीपैट की पर्चियों की गिनती और ईवीएम को लेकर जताई गई चिंता पर है। बीजेपी के विरोध में विपक्षी दलों को एकजुट करने की कोशिश चंद्रबाबू नायडू की काफी दिनों से जारी है। हालांकि हाल ही के कुछ दिनों में उनकी कोशिशों में ज्यादा तेजी आई है और खासकर एग्जिट पोल के सर्वे आने के बाद उन्होंने अपनी इस रफ्तार को और भी बढ़ा दिया है। इससे पहले नायडू यूपीए की अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, बसपा प्रमुख मायावती, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव सहित कई विपक्षी नेताओं से मिल भी चुके हैं।